क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है सेंटेंसेस, यहाँ पे टी को आप खत्म करके सेनेंसेस भी पढ़ सकते हो। लाइक अगर आप चाहो इसको पढ़ने के लिए तो SENSES, सेनेंसेस भी पढ़ सकते हैं, राइट, फॉर स्पीकिंग लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सेंटेंस को आप नॉर्मली सेनेंसेस भी पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव। व्हाट इज दिस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस तरीके से इन हिंदी अगर हम बात करें, अगर इसकी हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कथनात्मक। क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। दिस इज इन हिंदी एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस नेम? एक्चुअली असर्टिव, अदर या क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव। एक्चुअली ये कथनात्मक सेंटेंस होता है। नॉर्मली मीन्स हम जो नॉर्मली एक बोलते हैं। एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू, दिस इज द फर्स्ट टाइप होती है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, मतलब ये दोनों एक ही है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज दैट? अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरीके से होता है, क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर? सेंटेंस ये होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक। व्हाट इज दिस? सकारात्मक सेंटेंस। या फिर इसको अलग नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? पॉजिटिव सेंटेंस। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्लियर? आ जाओ, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। ओके गाइस, लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल। इफ यू वॉन्ट टू टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम हियर, तो आप कैसे बोलोगे? जैसे आप बोलते हो ना, जस्ट लाइक दिस, राइट? आपने बोला आई नो। क्या बोला आपने? आई नो। आई नो मीन्स क्या होता है? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, क्लियर? यस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक मीन्स इन दिस देर इज नो नेगेटिव पॉइंट। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। अगर ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ तो आप जैसे बोलोगे, मैंने बोला ही स्पीक्स। मैंने क्या बोला? ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दिस इज ऑल्सो अ अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक सेंटेंस है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। दिस इज नॉट नेगेटिव, क्लियर? लेट मी टेल यू द नेक्स्ट वन। एक्चुअली नेक्स्ट की अगर हम बातें करते हैं तो दिस इज द बी, सेकेंड पार्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। यानी इसका वाला जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम अलग नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड निगेटिव। वट इज कॉल्ड दैट? निगेटिव। बोलिए सबसे, क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। इन हिंदी क्या बोलते हैं हम लोग? नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंसेस को बोलते हैं, क्लियर? यस। इट मीन्स दैट जो स्टेटमेंट बोली जाती है इसमें बातों को एक्सेप्ट करा जाता है और इसमें बातों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूँ, ये बातों को मैंने एक्सेप्ट करा है। यहाँ पर मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यहाँ पर भी मैंने बात को एक्सेप्ट करा। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, इन दिस आई डोंट एक्सेप्ट द मैटर। मैं स्टेटमेंट जो बोली जाती है उस स्टेटमेंट यानी कथन को जो हम बोलते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट विद द एग्जाम्पल। हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को शॉर्ट में ई जी लिखते हैं, ई एक्स लिखना मत, गलत हो जाएगा ग्रामर के लिए, ठीक है? चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई डू नॉट नो। मैंने क्या बोला? डी एस आई डू नॉट नो। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। वाई? बिकॉज इसमें नॉट आ गया है, ठीक है ना। अब सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला ही डज नॉट। मैंने क्या बोला? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्लियर? दिस इज ऑल्सो नॉट, एक्चुअली ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ पर मैंने ये इसका स्टेटमेंट जो था, इस कथन को मैंने नकार दिया है, इसलिए इसको नकारात्मक सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी किसी ने पूछा भैया क्या वह इंग्लिश बोलता है, आप लोग पूछिए मुझसे क्या वह इंग्लिश बोलता है, पूछिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? मैं क्या बोलूँगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने पूछा, मैंने इस बात को नकार दिया, भैया वो तो नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब आप पहचानोगे भैया कैसे, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द नेगेटिव सेंटेंस? देखो, जिस सेंटेंस में आपको नॉट दिखाई दे, जिस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे? नो दिखाई दे, जिस सेंटेंस में आपको नेवर दिखाई दे, वेन एवर यू सी एनी वेयर एग्जैक्टली, जहां पर आपको बेयरली दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बेयरली। जहां पर आपको क्या दिखाई दे? रेयरली दिखाई दे, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये जो सेंटेंसेस में अगर कहीं पर आ जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड आई होप दैट आपको नेगेटिव सेंटेंस के कुछ नॉर्मली भाग समझ में आएंगे, क्लियर? यस। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। एग्जैक्टली ये हमारा क्या था? पहला जो एक्चुअली सेंटेंस का टाइप था, ये पहले हमने कंप्लीट करा, क्लियर? यस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट एक्चुअली एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज वी हैव जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव गेटिव, इस तरीके से बोलते हैं। ये इंटेरोगेट से बना है, इसका मतलब होता है प्रश्न करना यानी पूछताछ करना, इसी से बनता है इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ। तो ये होता है इंटेरोगेटिव एंड सेनेंसेस। ओके राजदीपाली मैम, दिस इज द
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसको हिंदी में हम अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड प्रश्नवाचक. व्हाट इज दिस? प्रश्नवाचक वाक्य. क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. इट मीन्स दैट इसमें कुछ क्वेश्चन करा जाएगा. क्या करा जाएगा इसमें? कुछ क्वेश्चन करा जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन करे जाते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस. क्या बोलते हैं उसको? यस आर नो टाइप्स क्वेश्चंस होता है. जो सेकंड हमारे पास होता है एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप. क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड टाइप. या इसी को हम अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड. क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड्स टाइप. अब मैंने यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड्स क्यों बोला? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैक्सिमम ऑफ द जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना वे डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं. कैसे? लेट मी टेल यू विद द एग्जांपल. जैसे मैंने बोला व्हाट, व्हाट की स्टार्टिंग में क्या लगा है? डब्ल्यू एच. इफ आई टॉक अबाउट डब्ल्यू एच ओ हु, ये भी क्या है? क्वेश्चन वर्ड है. एक्चुअल में एक होता है डब्ल्यू एच ओ जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जब भी हेल्थ के बारे में कोई, ठीक है ना, प्रॉब्लम कोई क्रिएट होती है तो उसके सोल्यूशन के लिए जो एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब हु अलग है लेकिन हु मतलब कौन होता है. यहाँ पर भी कैसे स्टार्ट हुआ है? कैसे स्टार्ट हुआ? डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ. अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू एच ई आर ई, इसको मैं क्या बोलते हैं? वेयर. वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ. ये भी बताना कैसे स्टार्ट हुआ है? डब्ल्यू एच से. इफ आई टॉक अबाउट हुम, किसके बारे में बात करूँ? हुम. तो ये भी कैसे स्टार्ट हुआ है? डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है. अगर मैं बताऊँ ऐसे वैन, तो वैन कैसे स्टार्ट हुआ है? डब्ल्यू एच से हुआ है. अगर मैं यहाँ से बताऊँ हुज, मैंने क्या बताया? हुज. तो स्टार्टिंग किससे हुई है? डब्ल्यू एच से. इसीलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बोलते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड्स. क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड्स. और उन्हीं को हम बोलते हैं, वी कॉल इट नाउ क्वेश्चन वर्ड्स. क्लियर? यस. नाउ लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल्स फ्रॉम हियर एग्जैक्टली ऑफ दिस बोथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. ये जो सेंटेंसेज के दो टाइप्स होते हैं इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर समझ में आएगा. ठीक है ना? सिंपल सा मैंने एक इंग्लिश में बोला सेंटेंस. डू यू, क्या बोला? डू यू नो, ऐसे डू यू नो मी. क्या बोला मैंने? डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. और ध्यान देखना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क. अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ये वाला लगा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं क्वेश्चन करा जा रहा है, इसलिए इसको लगाना जरूरी है. अगर आपने इसको हटा दिया तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर दिस विल बी द रॉन्ग, इसको गलत माना जाएगा तब. ठीक है ना? लेकिन आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसे करके. ठीक है ना? इसका मतलब क्वेश्चन करा जाता है. कहीं भी अगर किसी बुक, किसी भी नॉवल, किसी भी जगह आप देखते हैं, इफ़ यू जस्ट फाइंड इट नाउ, तो आप क्या समझना कि ये क्वेश्चन करा जा रहा है. ठीक है ना? कैसा क्वेश्चन करा जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस तरीके का है. तो मैंने देखिए यस आर नो टाइप का क्वेश्चन लिखा है. डू यू नो मी, क्या लिखा है? डू यू नो मी. ध्यान देना, यस या नो टाइप का क्वेश्चन हमेशा हम लोग क्या से करते हैं, मतलब स्टार्टिंग क्या से ही होती है. अगर हमने आप सबको बोला, क्या बोला हमने? अगर आप सबको बोला मैंने डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो हाउ विल यू रिप्लाई, कैसे रिप्लाई करेंगे? यस आई नो. या क्या बोलेंगे? नो आई डोंट नो. या तो बोलेंगे यस मैं जानता हूं, या तो बोलेंगे नो मैं नहीं जानता हूं. अच्छा बताओ ना, इसका आंसर आप दो ही तरीके से दे सकते हैं. या तो बोलेंगे यस आई नो, या तो बोलेंगे नो आई डोंट नो. हाँ मैं जानता हूँ, नहीं मैं नहीं जानता हूँ. आप दो ही तरीके से. इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ऐसे करके. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप. क्या बोला मैंने? क्वेश्चन वर्ड टाइप. इस तरीके से इसमें हम क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं. कैसे करते हैं? लेट मी टेल यू एग्जाम्पल. जैसे मैंने बोला यहाँ पर वॉट डू यू नो अबाउट मी, हमने क्या बोला? वॉट डू यू नो अबाउट मी. ऐसे करके मैंने बोला भैया आप मेरे बारे में क्या जानते हो, हमने क्या बोला? व्हाट डू यू नो अबाउट मी, यानी आप मेरे बारे में क्या जानते हो. जब मैंने बोला आप मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या आप इसका आंसर यस नो में दोगे? जैसे मैंने बोला व्हाट डू यू नो अबाउट मी, मेरे बारे में क्या जानते हो, तो क्या बोलोगे? यस सर, नो सर. नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे. आपको उसका रीजन देना पड़ेगा एग्जैक्टली कि सर मैं जानता हूँ वो चीज़ का नाम. सर आई नो अबाउट यू दैट यू आर फ्रॉम देयर, आप यहाँ से हो, ये चीज़ का नाम बता दिया. ठीक है ना? अगर ऐसे वेयर से पूछा जाए तो जगह का नाम बताते हैं, हुम से पूछा जाए तो उस व्यक्ति का नाम बताते हैं, वेन से पूछा जाए तो टाइमिंग बताई जाती है, हु से पूछा जाए तो रिलेशन बताया जाता है, व्हाट से पूछा जाए तो किसी चीज़ का नाम बताया जाता है. क्लियर ना? यस. जैसे मैंने पूछा व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, तो एक चीज़ का नाम बताओगे ना कि आई ईट ये चीज़, आई ईट मोमो, आई ईट बर्गर, लाइक दिस. क्लियर? अगर हम हु से बात करते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है. ठीक है ना? जैसे मैंने बोला हु इज राम, राम कौन है, तो क्या बोलना? राम इज माई क्लासमेट. ठीक है ना? बैठे हैं ना ऐसे करके. ठीक है ना? वेयर से पूछा जाए, मैंने बोला वेयर डू यू स्टडी, आप पढ़ते कहाँ हैं, तो यहाँ जगह का नाम पूछा जाएगा, तो आपको जगह बतानी पड़ेगी. आई स्टडी, क्या बतानी पड़ेगी? आई स्टडी, जगह का नाम. ऐसे करके आपसे पूछा जाए हुम, ठीक है ना, हुम डू यू इन्वाइट, आप किसको इन्वाइट करते हो, आप बता सकते हो उस व्यक्ति का नाम कि भाई इसको मैं इन्वाइट करता हूँ. व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो,
आप बताना मैं इस समय बोलता हूँ, वेन डू यू ईट फूड, आप फूड कब खाते हो, आप क्या बताओगे कि मैं इस टाइम पे खाता हूँ। ये टाइम बताता है, ये किसी व्यक्ति को बताता है, जगह को बताता है, ये भी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, ये किसी वस्तु या चीज़ को बताता है, क्लियर। एंड हुज किसके बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे मैंने बोला हुज क्लास इज दिस, ये किसकी क्लास है, तो आप क्या बोलोगे, दिस क्लास इज ऑफ मिस्टर जितेंद्र सर, ये जितेंद्र सर की क्लास है, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो यानी क्लास का और मेरा रिलेशन बता रहा है, हुज बता रहा है। तो ये होता है इंटरोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते बताइए, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कथनात्मक बोलते हैं। ये कितने तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, क्या बोलते हैं, यस सर, नो टाइप, सेकंड वन इज क्वेश्चन मार्क टाइप, क्लियर। यस, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अनदर टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। चलो, दिस व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, तो वो चीज का नाम बताइए, बताइए क्या जानते हैं। आप नहीं बोलेंगे सर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप जौनपुर से हैं, हाँ सिंपल, जो आप जानते हैं वही बताइए ना, सिंपल। थर्ड वन एक्चुअली हम टॉकिंग अबाउट, थर्ड वन हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव, क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्या बोलते हैं, बोलिए सब लोग दोस्त, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इन हिंदी दिस इज कॉल्ड आज्ञा सूचक, व्हाट इज दिस, आज्ञा सूचक वाक्य। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली, डोंट गो थ्रू द एक्चुअली नो हिंदी, हिंदी में मत जाइए, बस बता रहा हूँ कि अगर किसी को मानना हो, सीखना हो तो सीख सकता है। अदरवाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो टाइप ऑफ सेंटेंस एक्चुअली, इन विच यू टॉक अबाउट कमांड, जहाँ पर आप किसकी बात करते हैं, जहाँ पर कमांड की बातें करते हैं, मतलब आदेश की बातें करते हैं, जहाँ पर आप ऑर्डर की बातें करते हैं, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, रिक्वेस्ट की बातें करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ चीज़ें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं डायरेक्टली, ऐसे क्लियर ना। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको क्या करते हैं, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के और सेंटेंस को बोल दीजिए आप, जिसको मैं एक अलग नाम से देता हूँ, जिसको बोलता हूँ डायरेक्ट इंग्लिश, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश बोलता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, सिट डाउन, मैंने क्या बोला, सिट डाउन इन द क्लास, क्या बोला मैंने, सिट डाउन इन द क्लास, ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसको मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आज्ञा सूचक समथिंग लाइक दिस, ये कमांड दे रहा हूँ, क्या आपको समझ रहा है, डियर्स, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये होता है। फिर अगला तरीके से मैंने बोला, प्लीज कम, ठीक है ना, कम हियर एंड सिट डाउन, मैंने क्या बोला, प्लीज कम हियर एंड सिट डाउन, ऐसे करके बोला, प्लीज़ कम हियर एंड सिट डाउन, मैंने कहा कृपया यार इधर आओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बैठ जाओ, और बैठ जाओ, क्या कुछ मेरा ना। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। कुछ भी, जैसे मैंने बोला खड़े हो जाओ, क्या बोलेंगे, स्टैंड अप, काम को पूरा करो, कंप्लीट द वर्क, इस तरीके से, ठीक है ना। लिखो, क्या बोलेंगे, राइट, लेटर लिखो, राइट अ लेटर, मैम को बुलाओ, कॉल टू द मैम, इस तरीके से, क्या कुछ मेरा ना। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंसेस विच आई हैव रिटन इन ऑन द वाइट बोर्ड, क्लियर। यस, चलो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, क्लियर। द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आता है जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव, क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव, क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इच्छा, क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक, क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। डोंट गो टू एक्चुअली हिंदी, हिंदी भी मत जाइए, मैंने कहा, ठीक है ना, इच्छा बोधक वाक एग्जैक्टली, ठीक है ना, हिंदी मत, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं एक्चुअली, इन दिस एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जस्ट वी टॉक अबाउट विश, किसकी बातें करते हैं, विश की, किसी इच्छा की बातें करते हैं। इन दिस वी टॉक अबाउट ब्लेस, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स की बातें करते हैं, ठीक है ना। इन दिस एक्चुअली वी टॉक अबाउट किसी को कर्स देने के लिए, कर्स समझते हैं, बद्दुआ देने के लिए, या किसी क्या करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, या किसी से इच्छा व्यक्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखे तो क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मे यू, क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कभी आपने देखा ऐसा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भगवान करे आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, ठीक है ना, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, इस तरीके से, ठीक है ना। आपने ऐसे कभी बोला है, ऐसे बोला, ऐसे बोला, मे क्या बोला आपने, मे गॉड ब्लेस यू, आपने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या हो जाता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, क्लियर। यस, तो हमारे पास क्या था, इंपेरेटिव सेंटेंस विच इज कॉल्ड आज्ञा सूचक, जिसमें मैंने बताया क्या करने के लिए, सिट डाउन इन द क्लास, प्लीज कम हियर एंड सिट डाउन, लाइक दिस। एंड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इच्छाबोधक, यानी इसमें विश दी जाती, मतलब विश करी जाती है, और ब्लेसिंग दी जाती है, और
कर्स दिया जाता है, जिसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी उम्र को लंबी करे. क्लियर बाय ऑल ऑफ यू. लेट मी द लास्ट टाइप ऑफ दिस एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस वॉज द थर्ड, दिस वॉज द फोर्थ. क्लियर? यस, कम ऑन. डन गाइस, ठीक है. चलो नेक्स्ट प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज द लास्ट वन आई एम गोइंग टू टॉक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज आपने ऐसे सेंटेंसेस शायद जरूर देखे होंगे, ठीक है ना. नाउ द फिफ्थ वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्ला, क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेट्री. क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेट्री सेंटेंसेज. एक्सक्लामेट्री, साथ में बोलिए सारे लोग, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लामेट्री सेंटेंसेज. अभी देखो सही लग रहा है, क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेट्री सेंटेंसेज, ठीक है ना. ओके, जिसको इसको अलग तरीके पता नहीं कैसे हम बोलते हैं अव्यय सूचक, क्या बोलते हैं? सूचक, ठीक है ना. या फिर समथिंग लाइक यू नो आश्चर्य, क्या होता है, ठीक है ना, आश्चर्य है ना, ठीक ऐसे, ठीक है ना. इस तरीके से इसको हम अलग तरीके से नाम से जानते हैं, ठीक है. इसको हिंदी में ऐसे मत लिखे, ठीक है ना, मैं इसका शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ जो देता है, ठीक है ना. तो हमारे पास क्या है, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो लास्ट वाला है, फिफ्थ टाइप ऑफ, जिसमें हमारे पास आ जाता है विस्मयादिबोधक. क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक. इतनी खतरनाक खतरनाक हिंदी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं वाक्य, ठीक है ना. व्हाट इज दिस विस्मयादि बोधक, एक्चुअली हिंदी से. एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब भी आपको कभी क्या शो करना हो, सौरव. जब आपकी क्या से शो करना हो, सैडनेस. जब क्या शो करना हो आपको, सरप्राइज. क्या शो करना हो? सरप्राइज. और क्या शो करना हो इसको? हैप्पीनेस. क्या शो करना डियर्स? हैप्पीनेस. यानी कि जब भी आपको दुख, वही विपत्ति आपको सरप्राइज मीन्स आश्चर्य चीजें या खुशी को शो करना हो, देयर वी टॉक अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच इज कॉल्ड विस्मयादिबोधक सेंटेंस. अचानक हमारे मन से जैसे निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपने कभी ऐसे सुना है, ओह माय, ऐसे आपके सुना है, ओह माय गॉड. क्या सुना आपने? ओह माय गॉड. ऐसे आपने लगा सुना ऐसे? और देखो ये जो मार्क होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा, मोबाइल में भी रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क. क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं, ठीक है ना. जैसे आपने सुना ओ माई गॉड, अचानक से करके आपने किसी सुना कि अरे यार कल वो बस पलट गई, वो दादी का, दादी जय जय भारत होगी, तो क्या बोलना आप लोग ऐसे? क्या बोलना? एलास. क्या बोलना? एलास. फिर ऐसे ऐसे लगाना ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है ना. ऐसे बोलना शी इज नो मोर. क्या बोलना? शी इज नो मोर. इस तरीके से कि अब वो नहीं रही, इस तरीके से दादाजी नहीं रहे, तो क्या बोलना? ओ एलएस. क्या बोलना? एलएस. दादाजी इज नो मोर. अरे छोड़िए, सबसे खतरनाक आपने ये वाला कभी देखा है? ऐसे ऐसे एच यू डबल आर एच, हुर्रा, ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रा हुर्रे, ठीक है ना. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी मार्क. जहां भी आप देखें, आपने कभी ऐसा देखा है वाव? क्या देखा है? वाव, समथिंग लाइक दिस. इसका मतलब होता है कि अरे अचानक से जो निकली, क्या बोलते, वाव. दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ऐसे सेंटेंस रहे, जैसे हाँ या ये, जैसे वाव शिवम इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है ना. ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, हैंडसम लिखना चाहिए. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड.